इसको कहे बिना तो कोई चुनाव लड़ेगा ही नहीं ना, तो इसलिए हम किसी के लिए, मैं तो बीजेपी के लोगों को भी समझा रही हूँ कि कांग्रेस के लोगों का हर बात में मजाक मत बनाया करो। उज्जैन पहुंची बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उमा भारती ने जो कुछ कहा वो शुरुआत में मैंने आपको सुनवाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक तरीके से नसीहत दी उन्होंने, और ये नसीहत किस बात को लेकर थी वो भी आपने सुना। दरअसल उमा भारती से ये पूछा गया था कि कमलनाथ जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, वो दावा करते हैं। तो उमा भारती ने पलटवार किया, जवाब भी दिया। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष है, उनका अपना दावा हो सकता है, लेकिन मैं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को नसीहत देती हूँ, ये बात बार बार कहती हूँ कि कांग्रेसियों का हर बात पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कांग्रेसियों का मजाक ना उड़ाएं, अपनी पार्टी की जो क्षमता है उस पर ध्यान दें। एक बार फिर सुनिए उमा भारती क्या कह रहे हैं। इसको कहे बिना तो कोई चुनाव लड़ेगा ही नहीं ना, तो इसलिए हम किसी के लिए, मैं तो बीजेपी के लोगों को भी समझा रही हूँ कि कांग्रेस के लोगों का हर बात में मजाक मत बनाया करो। वो विपक्ष है, उनका लोकतंत्र में अपना एक अधिकार होता है, एक स्थान होता है। आपका स्थान लोगों के दिल में है, लोगों के दिल में बीजेपी बैठी हुई है, लोगों को बीजेपी का कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता। सारे दुनिया के नेता इकट्ठे हो जाए, आप मुझे बताइए मोदी का कोई विकल्प है? क्योंकि मोदी किस अधिष्ठान पर खड़े हैं? राम और रोटी के, रोटी भी है, हिंदुत्व भी है, राष्ट्रवाद भी है, अच्छा डिफेंस भी है, स्वदेशी भी है। तो मुकाबला तो हेड से होगा ना, हाथ पांव कितने मजबूत हैं, सिर ही गायब हो जाएगा तो सिर तो है ही नहीं, तो इसलिए कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन प्रदेश में तो शिवराज सिंह का चेहरा दिखाई दे रहे हैं। नहीं, शिवराज सिंह की चेहरा हमेशा से ही रहा है, और इन सब विषयों पर बोलना मेरा काम नहीं, बी डी शर्मा का काम है। उमा भारती सीधे तौर पर एक नसीहत दे रही हैं और ये भी कह रही हैं कि मजाक ना उड़ाएं हर बात पे कांग्रेसियों का। उनका ये कहना था दरअसल कि बीजेपी जो है, बीजेपी खुद ही मजबूत संगठन है, मजबूत पार्टी है, बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो अनुशासित है, बीजेपी अपने दम से चुनाव जीतती है। पीएम मोदी के चेहरे का भी उन्होंने जिक्र किया कि पीएम मोदी के चेहरे का जो प्रभाव है वो मध्य प्रदेश में भी नजर आएगा, पार्टी यहाँ भी अच्छी खासी सफलता हासिल करेगी। दरअसल दोनों ही चीजों को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, इस स्थिति को लेकर कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दावे में कितना दम है, और सीएम शिवराज भी ही चेहरा है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, यह भी आपने सुना कि शिवराज ही चेहरा है, और इस पर मैं क्या बोलूंगी, इस पर तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे। दरअसल राजनीति से जुड़े इस सवाल पर, कांग्रेस के दावे पर उमा भारती साफ साफ स्पष्ट तौर पर बहुत कुछ नहीं बोली, लेकिन हाँ उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके पीछे की मंशा यही थी, यह समझा जा सकता है कि एक तरह की नसीहत ही है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। वो नसीहत इसलिए क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है या जो पार्टी है उसकी अपनी मजबूती है, क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार मध्य प्रदेश में दावा कर रही है, और कांग्रेस को इस वर्ष के चुनाव में ज़्यादा उम्मीद भी है जीत की। यही वजह है कि उमा भारती ने उस जीत के दावे के बीच में एक बात ज़रूर कह दी कि विपक्ष को आवाज़ उठाने का हक है, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को भी एक तरीके से ये सलाह दे दी कि कांग्रेसियों का मजाक उड़ाना जो है वो हर बात पे अच्छा नहीं होता है। उज्जैन से आप तक एक बार पहुंचाई संदीप कुलश्रेष्ठ ने, आप लिख रहे हैं।